चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम तब्दील किए हैं। आज भी चाइना ने अरुणाचल के 30 जगहों के नाम बदल दिए। 7 साल में ये चौथी घटना है। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? देखिए जी, चाइना जो है, चाइना तो इसी तरह बकवास करता रहता है। कीड़ा है ना, और कुछ भी नहीं है। और इसका एक दफा पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत शायद मेरे ख्याल से पिछले साल की थी, तो एस जयशंकर ने कहा था कि नाम बदलने से क्या होता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल बोर्डर का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चैलेंज करना शुरू कर देता है। और यार, चैलेंज जो है ना, आप सिर्फ पाकिस्तान को कर सकते हो। आप चैलेंज जो है ना, उस कंट्री को कर सकते हो, जैसे सोमालिया होगी, कमजोर जो कंट्रीज होती हैं उन्हें चैलेंज कर सकते हो। चाइना हमारे लिए तो चाइना ही बेस्ट है। हमारे लिए चाइना क्यों बेस्ट है? बस ठीक है, नहीं हम इंडिया को लाइक करते। अगर वो नहीं हमें करते तो हम क्यों करें? अगर मांगने का कोई ओलंपिक्स हो, मांगने का अगर कोई ओलंपिक्स हो, तो भाई लोगों को गोल्ड मेडल पाकिस्तान में बैठे बैठे मिल जाए, इनको कहीं जाना ना पड़े। इतनी सुपर पावर जो है नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है सुपर पावर कंट्री है, ठीक हो गया। आप अगर उसे चैलेंज कर रहे हो तो ये आपको इसका खुमियाजा भुगतना भी पड़ेगा। तुम 1800 साल पीछे जा सकते हो तो फिर हम 9000 साल, 25000 साल भी पीछे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया को पूरा कहना देना पड़ेगा उनको। मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के हवाले से, जिसको चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा इलाका है, हम भारत से ले लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने खड़े होकर चाइना के मुंह पर थप्पड़ मारा है, चाइना को एक पैगाम पहुंचाया है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने बोला है कि हम इंडियन थे, हैं और रहेंगे, वी आर इंडियंस एंड वी विल रिमेन इंडियंस। ये पैगाम पहुंचा है स्पेशल चाइना के लिए। कश्मीरियों ने बोल दिया कि हम इंडियंस हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने बोल दिया हम इंडियंस हैं। क्या वजह लगती है? पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है, भारत के लोग भारत से बने रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में तहरीकें चल रही हैं कि हमें अलहदा रियासत दी जाए। देखें जी, चाइना जो है, चाइना तो इसी तरह बकवास करता रहता है। कभी अमेरिका के ऊपर वार कर रहा है, कभी इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब कर रहा है, और किसी वक्त भीख मांगने के ऊपर मजबूर हो जाता है चाइना, कि हमारी जो है मेडिसिन ख़त्म हो गई है, हमारी टेक्नोलॉजी में फ़र्क पड़ गया है, को हमें जो है अपना इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट करने दें, ठीक है। अब वो ठप्पा जो जाहिर सी बात है भाई, वो सलाहियत रखते हैं, नरेंद्र मोदी ठप्पा लगाने का सलाहियत रखते हैं। अगर इनकी एक टीम होती ना, क्रिकेट टीम या कोई ऐसी टीम होती, तो उन्होंने अपना ऑलराउंडर होना था, जिनमें नरेंद्र मोदी ने बैटिंग भी करने होना था और बॉलिंग भी करने होना था, ठीक हो गया। ये जाहिर सी बात है भाई, वो ठप्पा लगाने में मास्टर है, क्योंकि ये ठप्पे वाली वीडियो है ना, ये वायरल होनी चाहिए, क्योंकि ठप्पा जो है ना नरेंद्र मोदी, वो ठप्पा लगाने में मास्टर है। क्योंकि जब ये आए थे, इनको बड़ी मुश्किलात के सामने करने पड़ रहे थे, बड़े लोगों ने टांगे खींची, नरेंद्र मोदी चाय वाला, नरेंद्र मोदी जो है वो गुजराती है, ये है वो, ऐसे पता कुछ नहीं है। आज उसने अपना एक लोहा मनवा लिया, तो जाहिर सी बात है चाइना बकवास कर रहा है तो नरेंद्र मोदी उसका मुंह तो जवाब भी देगा। वो टेक्नोलॉजी हो, वो वाइपर हो, वो अपना किसी भी वाले से जो है ना टक्कर देने को जो है वो रखता है, सलाहियत रखता है नरेंद्र मोदी। और मुझे लगता है कि वो इनको जो है ना मात देगा दोबारा से, चाइना को फिर से। जब चाइना में कोई थोड़ा सा कीड़ा भुड़कता है ना, तो आ जाके फतवे लगाना शुरू कर देता है, चैलेंज करना शुरू कर देता है। और यार, चैलेंज जो है ना, आप सिर्फ पाकिस्तान को कर सकते हो। आप चैलेंज जो है ना उस कंट्री को कर सकते हो, जैसे सोमालिया होगी, कमज़ोर जो कंट्रीज होती हैं उन्हें चैलेंज कर सकते हो। इतनी सुपर पावर जो है नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है सुपर पावर कंट्री है, ठीक हो गया। आप अगर उसे चैलेंज कर रहे हो तो ये आपको इसका खुमियाजा भुगतना भी पड़ेगा, समझते हो। ये बताएं, पाकिस्तानियों की आंखों पर, आपने तो काफ़ी अच्छी बात की है, पाकिस्तानियों की आंखों पर चाइना के नाम की पट्टी क्यों बंधी हुई है? हम लोग असलियत देखना ही नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान और चाइना की जब भी बात आती है तो हम हमेशा चाइना का साथ देते हैं, बताएं क्यों? इंडिया के लोग पेट्रियोटिज्म का मुजाहिरा कर रहे हैं, चाइना को धुतकारे। अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना कहता है कि हमारा हिस्सा है, चाइना ने रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के 30 इलाकों के नाम भी चेंज किए, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं हम इंडियन थे, हैं और रहेंगे। देखें जी, बात जो है बड़ी अच्छी आपने बात की है निमरा। देखिए, बात यह है कि हम जो है ना, हमारी आंखों में पट्टी इसलिए बांधी हुई है, पट्टी हमने खुद से नहीं बांधी हुई, हमें जो है बंधवाई गई है। बेसिकली जब हम किसी से भीख मांग रहे होते हैं ना, हम प्रोफेशनल भिखारी बन जाते हैं, तो हमें देने वाला भी कहता है चल यार, ये भिखारी आया है, इसे कुछ चंदा दे दो, इसे कुछ राशन दे दो। आई थिंक कि इंडिया की जो मेरे हिसाब से जो पावर डिस्टेंस है इंडिया में इस वक्त,
वो पाकिस्तान से काफ़ी रिड्यूस है, तो वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से होता है कि जैसे अब पाकिस्तान में हर चीज़ किसी ना किसी के अंडर है, ठीक है, तो वहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल आज़ाद है, हर कोई अपनी राय दे सकता है, ओपिनियन है। अब देखें ना, रिसेंटली हमें पता चला कि वो इंडिया जो है चांद पर चला गया और हम अभी तक ज़मीन पर ही बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर कोई भी ना ही बोलने की आज़ादी है, ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना ही हमें रहने की आज़ादी है, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बना सकते। यानी अब जो हालात जा रहे हैं, पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है, ये भी हर आर्टिकल के ख़िलाफ़ है, ठीक है, हर चीज़ तो यहाँ पर ऑपोजिट जा रहा है, गला दबाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको क्या लगता है, माई वर्ल्ड वॉन्ट्स टू ज्वाइन इंडिया, चाइना के मुँह पर उन्होंने थप्पड़ देकर मारा कि चाइना कौन होता है हमें कहने वाला कि हम चाइनीज़ हैं, हम तो इंडियन हैं। इंडिया का इकोनॉमी रेट हमसे बहुत आगे है, वो बहुत सी चीज़ों में आगे है। वहाँ पे जो बिजनेसमैन है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे लोग बिजनेसमैन आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान अपना कोई प्रोडक्ट बना ले, उसमें कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि उनको हम लोगों को पता है कि इसमें कोई ना कोई ख़राबी होगी, बेशक वो चीज़ ठीक भी है, इसलिए ना इन्वेस्टर्स इधर इन्वेस्ट करते हैं। और वहाँ का इकोनॉमी और मतलब लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, नज़र आता है काम यहाँ भी हो रहा है, मगर फिर वही बात कि यहाँ पर आज़ादी नहीं है हर चीज़ की, और मिलावट बहुत है, और लोग मुखलिस नहीं है, ये रीज़न हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताया कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने कहा है कि वी आर इंडियंस एंड वी विल रिमेन इंडियंस, इसके बारे में आप क्या बोलती हैं, चाइना को किस तरीके से भारत प्रॉपर टक्कर दे रहा है, और ये तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ जाना नहीं पसंद करेंगे। चाइना जो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा। अरुणाचल इज ए इंडिया, छोटा इंडिया है, यहाँ पर सभी जनजाति मतलब बाहर से आकर भी यहाँ पर रहते हैं, और मेनलैंड से भी आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, और ये अरुणाचल कभी चाइना का होगा नहीं, अरुणाचल इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। चाइना बोल रहे कि अरुणाचल वो लोग का है, बट अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही, और हम इंडियन नहीं रहेगा। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम तब्दील किए हैं, ये जरा इसके बारे में बताइएगा, ये ऐसा क्यों किया? सर देखें, कीड़ा है ना, और कुछ भी नहीं है, और इसका एक दफ़ा पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत शायद मेरे ख्याल से पिछले साल की थी, तो एस जयशंकर ने कहा था कि नाम बदलने से क्या होता है, तो बात हुई है नाम बदलने से क्या होता है। बाकी चाइनीज का ये क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का हिस्सा है, और आज से कोई 1800 साल पहले उनकी चाइनीज कोई डायनेस्टी थी, तो ये उसका हिस्सा है ये अरुणाचल उनके कब, चलो ठीक है मान लिया वो उस टाइम पे 1800 साल पहले वो उसका हिस्सा था, तो फिर महाभारत की बात भी कर लेते हैं, वेदों की बात भी कर लेते हैं, तुम 1800 साल पीछे जा सकते हो, तो फिर हम 9000 साल 25000 साल भी पीछे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया का पूरा चाइना देना पड़ेगा उनको, उनको पूरा चाइना आधा चाइना देना है। शिनजियांग सर इंडिया का हिस्सा था, और शिनजियांग तो 2000 साल पहले था, ये कनिष्क डायनेस्टी थी, कनिष्क डायनेस्टी का हिस्सा था ये शिनजियांग, फिर शिनजियांग भी देना पड़ेगा, तिब्बत भी देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का कोई अंत नहीं है, तुम जितना पीछे जाओगे इंडिया उतना भारी पड़ता जाएगा, तो हिस्ट्री की बात इंडिया के फिर फंसी फिर बीच में फंसोगे।